तो पिछली बार हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि शुद्ध भक्ति क्या है, डेफिनेशन ऑफ प्योर डिवोशनल सर्विस, पुण्याभिलाषिता शून्य ज्ञान कर्माद्यनावृतम आनुकूलेन कृष्णानुशीलनम भक्ति उत्तम। सो ये इसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि अन्य कामनाओं से रहित ज्ञान कर्म आदि से अनावृत तथा अनुकूल भाव से कृष्ण का अनुशीलन जो है वही उत्तम भक्ति है। मैंने ये बताया था कि इस श्लोक को भक्ति रसामृत सिंधु का परिभाषा सूत्र कहा जाता है ना। इस पुस्तक में की गई चर्चा इसी श्लोक के इर्द गिर्द घूम रही है और यह श्लोक शुद्ध भक्ति या उत्तम भक्ति की मूलभूत परिभाषा को प्रतिपादित करता है कि वास्तव में शुद्ध भक्ति क्या है। और ये भी बताया था कि श्रील प्रभुपाद इस श्लोक के पूर्ववर्ती आचार्यों के पदचिन्हों का अनुसरण करते हुए भक्ति शास्त्रों पर आधारित सप्रमाण व्याख्या किए हैं। वे बताते हैं कि श्रील रूप गोस्वामी के अनुसार व्यक्ति की उत्तम भक्ति इस बात से परिभाषित होती है कि वह कृष्ण भावनामृत में कितना अनुरक्त है, कितना आसक्त है कृष्ण भावनामृत में, अर्थात भगवान श्री कृष्ण की वह अनुकूल भाव से सेवा करता है या नहीं करता है। इस श्लोक को अच्छी तरह से समझने के लिए इसको संधि विच्छेद करके हमको इसको समझना चाहिए, ये मैंने बताया था। इसलिए संधि विच्छेद करते समय मैंने आपको बताया था कि अन्याभिलाषिता शून्यम का अर्थ होता है कि अन्य इच्छाओं शून्य अर्थात न हो, और ज्ञान मनोकल्पना की इच्छा यानी निराकार विशेष, निराकार या जो स्वरूप विशेष बोलते हैं निराकार स्वरूप, तो भगवान के बारे में अपने मनोकल्पना करके हम भगवान के बारे में प्रतिपादन नहीं कर सकते हैं। कर्म यानी भौतिक रूढ़वादी क्रियाकलापों की इच्छा जो है उसको कर्म कहा गया है, यानी कर्म कांड इत्यादि। और अनुकूलेन मतलब अनुकूल भाव से कृष्ण के लिए स्वयं भगवान श्री गोविंद का वाचक बताया था मैंने आपको। और अनुशीलन मन वाणी और शरीर की चेष्टाओं को कृष्ण के लिए स्वीकार करना या त्याग करना। हम लोगों ने इसमें इसके दो लक्षण को डिस्कस किया था, स्वरूप लक्षण और तटस्थ लक्षण। तो स्वरूप लक्षण इसका क्या है, अनुकूलेन कृष्णा अनुशीलनम भक्ति उत्तम। वह भक्ति उत्तम या भक्ति का उत्तम स्वरूप है, यानी भक्ति का स्वरूप लक्षण है, क्योंकि इस अंश में ये जो अनुकूलेन कृष्णा अनुशीलनम भक्ति उत्तम जो है, ये पोर्शन में भक्ति का स्वरूप का परिचय मिलता है कि भक्ति कैसी होनी चाहिए। और कृष्ण के बारे में हम लोगों ने चर्चा किया था कि श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं जब हम कृष्ण कहते हैं तो कृष्ण शब्द अकेले ही नहीं रहता है, उनके विभिन्न अवतारों के साथ साथ भगवत स्वरूप मात्र को पूरा सूचित करता है, जैसे उनके अंश अंशांश कला और कला अंश इत्यादि, तथा उनकी समस्त शक्तियों का भी उसी में समावेश होता है। कृष्ण शब्द में एक शब्द कृष्ण में ही सब कुछ मिला हुआ है, सब कुछ समाहित है, फिर भी हमारी समझ के लिए हमें कृष्ण का अर्थ भगवान श्री कृष्ण या उनके विभिन्न अवतारों जैसे या विभिन्न स्वरूपों जैसे गोविंद इत्यादि को समझना चाहिए। जैसे ब्रह्मा जी कहते ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारण। तो इस तरह कृष्ण शब्द में स्वयं भगवान श्री कृष्ण और उनसे संबंधित सब कुछ समाहित है, जैसे उनके अवतार तदीय सात सामान परिकर धाम भक्त इत्यादि। इसलिए इन सबके प्रति अनुकूल भाव से सेवा वृत्ति को विकसित करना भक्ति की श्रेणी में आता है, तदीया नाम समर्चनम जिसको कहा गया है। और हम लोग अभी अनुशीलन ये डिस्कस करने वाले थे ना। अनुशीलन इस शब्द का अर्थ है विकसित करना, डेवलप करना, अर्थात चेष्टा या ऐसी क्रिया करना। चेष्टा मीन्स क्रिया एक तरह से, अर्थात ऐसी चेष्टा करना या ऐसी क्रिया करना जिससे कृष्ण के प्रति हमारा आसक्ति या हमारा जो एक्टिविटी है कृष्ण के प्रति बढ़ रहा है, न कि चुपचाप ध्यान मग्न होकर के बैठे रहना। इसका तात्पर्य है एक पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, कृष्ण अर्थे अखिल चेष्टा। कृष्ण अर्थे अखिल चेष्टा, अखिल मतलब संपूर्ण, चेष्टा मीन्स एक्टिविटी, एक्टिविटी।
एक्टिविटी मतलब क्रियाकलाप, किसके लिए? कृष्ण अर्थे, अर्थात कृष्ण की प्रसन्नता के लिए ही कार्य करना। जगत में जो व्यक्ति भक्ति करता है उसको जगत में केवल कृष्ण की प्रसन्नता के लिए ही समस्त क्रियाओं को करना चाहिए, इसको कहते हैं कृष्णार्थे अखिल चेष्टा। ये हो सकता है आप लोगों को क्वेश्चन में पूछा जाए कृष्णार्थे अखिल चेष्टा का क्या अर्थ होता है। सो कृष्ण अनुशीलन का चेष्टा रूप अर्थ होता है कि शरीर मन और वाणी से होने वाले समस्त चेष्टाएं। आदमी तीन प्रकार से कर्म करता है ना, कौन कौन से? शरीर से, मन से और वाणी से। सो इनसे होने वाली जितनी भी चेष्टाएं हैं वो सारी चेष्टाएं, सारी क्रियाएं केवल कृष्ण की निमित्त ही या तो ग्रहण करना चाहिए या तो त्याग करना चाहिए, रिजेक्ट करना चाहिए। यानी हम जो कुछ भी स्वीकार करते हैं, लास्ट टाइम में शायद बताया था अनुकूलस्य संकल्प और प्रतिकूलस्य वर्जनम रक्षसो इति विश्वासो लोकतत्त्व वर्णम तथा, ये जो बताया था मैंने कि इस तरह से हम एक्चुअली सब कुछ, सारी क्रियाएं जो है केवल कृष्ण को केंद्रित करके करना चाहिए, किसी चीज का स्वीकार करना, किसी चीज को रिजेक्ट करना, अनुकूलस्य संकल्प प्रतिकूलस्य वर्जनम। सो कृष्ण अनुशीलन का भाव रूप अर्थ है कृष्ण अनुशीलन में प्रीति लक्षण विशिष्ट होना चाहिए। मतलब जब हम कृष्ण के लिए कोई चेष्टा करते हैं तो उसका एक लक्षण होना चाहिए। लक्षण ये होना चाहिए कि मैं कृष्ण के लिए कोई कार्य प्रेम से कर रहा हूँ या उस कार्य से कृष्ण को अच्छा लगता है। यू अंडरस्टैंड, जब हम कोई भी कार्य किसी के लिए प्रेम से करते हैं तब उसको डेफिनेटली अच्छा लगता है। तो इसका लक्षण क्या है? विशिष्ट रति प्रेम आदि स्थायी भाव का उदय होना। ये स्थायी भाव वगैरह जो है इसी भक्ति रसामृत सिंध में बताया गया है, लेकिन आगे चल करके बताएगा स्थायी भाव, संचारी भाव, ऐसे बहुत सारे 33 संचारी भाव हैं। इट्स अ वेरी डिफिकल्ट सब्जेक्ट मैटर टू अंडरस्टैंड, समझ में ना। स्थायी भाव उसको कहते हैं कि जो भाव कभी बदलता, भाव मीन्स यहाँ पे स्वभाव है, जो भाव कभी बदलता नहीं है। मतलब कृष्ण के प्रति हमारा जो प्रेम का भाव है उस भाव में कोई भी कुछ भी घटना घटित हो जाए लेकिन उसमें कोई परिवर्तन नहीं आना चाहिए। और उपलक्षण, ये तो विशिष्ट लक्षण है, मतलब ये मुख्य लक्षण है। और उपलक्षण क्या है? निर्वेद, विषाद, दैन्य। निर्वेद मतलब कृष्ण से गुस्सा करना, हाँ, विषाद करना मतलब कृष्ण के ऊपर क्रोध करना, जाओ तुमसे कट्टी कर लेता हूँ, तुमसे नहीं बोलूँगा, रूठ जाना, ये सब निर्वेद विषाद इत्यादि कहलाता है। इसको संचारी भाव कहते हैं। संचारी भाव का मतलब होता है जब ओकेजन आता है तो वो भाव उदय होता है, वो परमानेंटली नहीं रहता है। मतलब कृष्ण से कोई परमानेंटली गुस्सा नहीं करके बैठेगा, मान करके नहीं बैठेगा, समझ में आया ना। वो कब आता है? जैसे राधा रानी को कृष्ण ने कंपेयर कर दिया कि तुम तो चंद्रमुखी लगती हो है ना, तुम्हारा चेहरा जो है वो चंद्रमा के समान सुंदर है। तो राधा रानी को गुस्सा आ गया। गुस्सा क्यों आ गया? चंद्रमा से मेरा कंपेयर क्यों कर रहे हो? चंद्रमा के चेहरे में दाग है, मेरे चेहरे में दाग थोड़ी है, समझ में। तो ये संचारी भाव है। यू अंडरस्टूड दिस पॉइंट? इसको क्या कहते हैं? संचारी भाव। यानी कुछ ओकेजन उपस्थित हुआ तो उसके कारण उनके मन में गुस्सा आ गया। जैसे राधा रानी को पता चला कि कृष्ण जो है चंद्रावली के साथ में विहार कर रहे हैं, राधा रानी का जो सुका है, क्या नाम बोलते हैं उसका, विचक्षणा, वो आकर के राधा रानी को बताता है कि राधा इस समय तुम्हारे कृष्ण जो है वो चंद्रावली के साथ में या अवरिजा के साथ में निकुंज में लीला कर रहे हैं। तो राधा रानी को क्रोध आता है, अच्छा मुझे छोड़ के उसके साथ हाँ, ये सब संचारी भाव कहलाता है। तो निर्वेद, विषाद, दैन्य इत्यादि। दैन्य मतलब दुखी, अच्छा मुझे छोड़ दिया, ये सब संचारी भाव है। जैसे राधा रानी और कृष्ण बैठे हुए हैं और एक भौरा आकर के राधा रानी के चरण कमल को मडराने लगता है, तो राधा रानी भौरे के मडराने से डरने लगती है। तो कृष्ण मधुमंगल से कहते हैं कि इस मधु को चेस करके आ जाओ, भौरे को भी मधु कहते हैं, भगा के आ जाओ। तो मधुमंगल जो है उसको भौरे को जाकर के दूर तक भगा के आता है, और दूर तक भगा के आने के बाद में आके कहता है कि मधु अब चला गया, अब नहीं आएगा। राधा रानी सुनती मधु चला गया, तो कृष्ण का भी एक नाम मधु है, वो कहती है कि मधु चला गया अब आएगा ही नहीं। तो वो कृष्ण बगल में बैठे हैं लेकिन उनका रोना धोना शुरू हो जाता है कि कृष्ण चला गया। हाँ, इसको संचारी भाव कहते हैं।
क्या कहते हैं, संचारी मतलब पजेस हो जाता है। सो भाव का उदय होना, कृष्ण अनुशीलन में कृष्ण के प्रति चेष्टा अबाध और अनवरत चलती रहनी चाहिए। मतलब कृष्ण के प्रति हमारा जो प्रेम का रिलेशन का जो कृष्ण के साथ हमारा संबंध है, हम जो कृष्ण के लिए जो कुछ क्रिया करते हैं उसमें किसी भी प्रकार की रुकावट नहीं आनी चाहिए, अबाध गति से चलते रहना चाहिए। और अनवरत मतलब अबाध, लगातार कंटिन्यूअस, इसको कहते हैं कृष्ण प्रेम। इट्स नॉट कि चलो सुबह 6 से बज करके 8 बजे तक 2 घंटे में चोला वाला जप कर लिया उसके बाद दिन भर के लिए फ्री हो, हाँ प्रसाद बना के कृष्ण को भोग लगा दिया उसके बाद तुम अपने अल्टर में सो जाओ मैं समझ रहा है ना, ये भावना नहीं होनी चाहिए। नो इंटरप्शन, हमेशा कृष्ण का चिंतन रहना चाहिए, इसको कृष्ण अनुशीलन कहते हैं। श्री प्रभुपाद शरीर मन और वाणी की चेष्टाओं को कृष्ण के प्रति अबाध या अनवरत अभिप्रेषित करते हुए गुरु की भूमिका बताते हैं। वो कहते हैं प्रभुपाद जी कि बिना गुरु के सहयोग के कोई कंटिन्यूअस कृष्ण की सेवा का अनुशीलन नहीं कर सकता है। सो इसलिए गुरु की भूमिका को महत्व को बताते हैं कि गुरु किस प्रकार से अपने शिष्य को निरंतर मार्गदर्शन या प्रोत्साहन देते हुए उन्हें कृष्ण की सेवा में अनुरक्त रखते हैं। प्रभुपाद जी ने क्या किया अपने डिसाइपल्स को, बोलते हैं ना इस्कॉन सैंडविच, है ना, बताया था इस्कॉन सैंडविच, हु विल टेल मी व्हाट इज इट, कौन बताएगा मेरे को इस्कॉन सैंडविच क्या है, क्या गोविंदा से सैंडविच लेके खाते हैं वो इस्कॉन सैंडविच है क्या है, बोलो प्रभु। हाँ प्रभुपाद ने इस्कॉन सैंडविच दिया है, इस्कॉन सैंडविच मीन्स मॉर्निंग प्रोग्राम इवनिंग प्रोग्राम, ये 2 स्लाइस ऑफ ब्रेड से समझे, और दिन भर में जो एक्टिविटी करेंगे वो फिलिंग है, दैट इज कॉल्ड इस्कॉन सैंडविच। मतलब सुबह उठने से उठने के बाद में शाम को सोने तक व्यक्ति जो हो पूरी तरह से कृष्ण की सेवा में क्या रहना चाहिए, लगा रहना चाहिए। मॉर्निंग प्रोग्राम 1 स्लाइस है, मॉर्निंग प्रोग्राम स्टार्ट कब से होता है, सुबह उठते 4:30 बजे से, नहाना धोना से जब से उठ गए बिस्तर से तब से लेकर के मंगल आरती जपा भागवतम क्लास ब्रेकफास्ट प्रसाद, यहाँ तक क्या है मॉर्निंग प्रसाद, मॉर्निंग प्रोग्राम है। उसके बाद दिन भर अपने अपने जो सेवा अलॉटेड है, किसी को ऑफिस का सेवा दिया हुआ है, किसी को बुक डिस्ट्रीब्यूशन का सेवा दिया है, किसी को प्रसादम डिस्ट्रीब्यूशन का सेवा दिया है, किसी को प्रसादम कुकिंग का सेवा दिया है, किसी को बुक गोडाउन में जाना है, किसी को बुक डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए जाना है, समझ में ना, किसी को बैंक का काम दिया है, किसी को और कुछ काम दिया, मंदिर में जितना भी सब काम है, किसी को झाड़ू लगाने का काम है, किसी को एम्प्लॉइज़ को कंट्रोल करने का काम है, ऐसे जितने भी एक्टिविटीज़ है वो दिन भर उसमें लगा रहना आफ्टर दैट। उसके बाद में वो सब सेवा में लगे रहने के बाद, या गेस्ट रिसेप्शन है, या टेंपल में कोई आता है जाता है, लड्डू बांटना है, ये सब क्या है, ये सब दिन भर का एक्टिविटी है। कुछ लोग बाहर जा करके बुक डिस्ट्रीब्यूशन करके आते हैं, या फिर कलेक्शन के लिए जाते हैं, जैसा भी कुछ है, हाँ, या किसी को प्रचार करने के लिए जाते हैं, किसी को प्रसाद पहुंचाने के लिए जाते हैं, क्या क्या एक्टिविटी करते हैं एवरी टेंपल नोस इट। उसके बाद शाम को फिर से असेंबल, नहा धो करके फिर से सब लोग एक साथ असेंबल होना है, फिर शाम को मंगल आरती करना है, उसके बाद भागवतम क्लास करना है या भगवद गीता क्लास करना है, और उसके बाद में 10 बजे हमारे टेंपल में क्या है, शाम का क्लास जो है मंदिर में नहीं होता है, शाम को ब्रह्मचारी जा करके अलग अलग क्षेत्रों में जा करके प्रोग्राम करते हैं। तो ये शाम का टाइम है, उसके बाद में फिर अपना शाम को 9-10 बजे तक प्रोग्राम करके प्रसाद लेकर के और 10 बजे 11 बजे जो भी है रिटायर, टेक रेस्ट, अगेन गेट अप इन द मॉर्निंग। तो ये एक प्रोग्राम शेड्यूल है, अगर व्यक्ति दिन भर इस तरह से काम में लगा रहेगा तो वो हमेशा कृष्ण भावना में प्रभावित है, समझ में ना, इसको कहते हैं कृष्ण अनुशीलन। नहीं तो इंटरप्शन कब आ जाता है, ओके मैंने सुबह सुबह कुछ कर लिया, उसके बाद में दिन भर अपना रोजी रोटी के लिए दौड़ रहे हैं, पैसा के लिए दौड़ रहे हैं, हाँ फिर दुनियादारी कर रहे हैं, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, शाम तक करते ही रहे, कभी कभी रात को 11-12 बज जाते वही सब करते करते, फिर आके थक के सो जाते हैं। तो कृष्ण भावनामृत में अनुशीलन नहीं हो रहा, उसमें क्या हो रहा है, हम कृष्ण भावना का अनुशीलन करने के बजाय क्या करते हैं, अपने रोजी रोटी अपने स्वार्थ के लिए जो है ना मटीरियलिस्टिक एक्टिविटी उसमें लग जाते हैं,
तो ऑफ कोर्स जितने लोग ये संसार में गृहस्थ का जीवन जी रहे हैं, बाकी लोग जीवन जी रहे हैं, तो उनको ये सब करना पड़ेगा। पर गृहस्थ लोग भी अपनी चेतना का परिवर्तन करके उस कार्य को जो है कृष्ण भावना भावित बना सकते हैं। ये मैंने शेड्यूल अभी जो बताया इस्कॉन सैंडविच का, ये ब्रह्मचारी के यानी टेम्पल रेसिडेंट्स के लिए है। पर भक्त लोग जो है वो टेम्पल से बाहर भी है, तो वो लोग भी कृष्ण ने जो परिवार दिया है उस परिवार का पालन पोषण करने के लिए कृष्ण के निमित्त ही हम क्या कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं। ये चेतना डेवलप हो गई, उसके बाद में नौकरी करके आने के बाद में फिर शाम को अपना बैठ करके घर के साथ में, परिवार के साथ में, या जहाँ पे कहीं भी प्रोग्राम होता है उस प्रोग्राम में सम्मिलित होकर के हम क्या कर सकते हैं। हमारे गुरु प्रभुपाद ने ऐसा प्रोग्राम दिया था, हमारे गुरु महाराज ने ऐसा प्रोग्राम दिया कि शाम को जा करके सब जगह जगह अलग अलग प्रोग्राम करो, जिससे कि उस एरिया के जितने डिवोटीज हैं वो क्या हो जाएंगे, एक साथ असेंबल हो जाएंगे, तो उनका जो काम बन जाएगा। सो इसको गुरु की कृपा से ही ये सब कुछ संभव होता है। तो अपने शिष्य को निरंतर मार्गदर्शन और प्रोत्साहन देता है, उन्हें कृष्ण की सेवा में लगाए रखता है। श्लोक रूपा जी और भी बताते हैं कि कुछ चेष्टाएं या कर्म, हाँ, कुछ कर्म सकारात्मक होते हैं जिसको प्रवृत्ति कहते हैं, और कुछ कर्म जो होते हैं वो नकारात्मक होते हैं और उसको निवृत्ति कहते हैं। तो दो प्रकार के निषेध बताए गए हैं, प्रवृत्ति और अनिवृत्ति के निषेध बताए गए हैं। निवृत्ति मतलब निषेध, प्रवृत्ति मतलब लगना। तो पॉजिटिव एक्टिविटी क्या होता है, जैसे भक्ति में सेवा की 10 वस्तुएं प्रवृत्ति की हैं, वो आगे चल करके हम लोग डिस्कस करेंगे क्या है वो 10 वस्तुएं, जिनका अनुमोदन है और उन्हें हमें आचरण में लाना चाहिए। हाँ, जैसे गुरु की सेवा करना और उनसे दीक्षा लेना तथा उनके निर्देशों का पालन करना, विश्रम बेन गुरु सेवा, है ना, ये सब जो 10 आइटम्स है वो सब करना इत्यादि। और उसी तरह से 10 वस्तुओं से परहेज करना चाहिए, जैसे भक्ति करते समय या नाम जप करते समय अपराध नहीं करना चाहिए, भगवान और भक्तों की निंदा में लिप्त नहीं होना चाहिए, भक्तों के से आत्मीय संपर्क नहीं बनाना चाहिए। हम बाहर की दुनिया में जाते हैं, भक्तों से मिलते जुलते हैं, लेकिन उनसे बहुत अपना क्लोज रिलेशन नहीं बनाना चाहिए, केवल काम का संबंध, बस काम हो गया, काम खत्म, इत्यादि। इस तरह से सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही प्रवृत्तियों का अनुशीलन करना है, अर्थात स्वीकार करना है या ज्ञात करना। तो भक्ति जो है वो एक प्रैक्टिकल एक्टिविटी है, केवल भक्ति थ्योरी नहीं है। थ्योरी मत पढ़ो चलेगा, लेकिन कम से कम प्रैक्टिकल में भक्ति जो किया उसी का भक्ति का अनुशीलन होता है। और ये भक्ति जो हम अनुशीलन करते हैं उसका तीसरा लक्षण ये है कि वो भक्ति कैसी होनी चाहिए, अनुकूल होनी चाहिए, अनुकूल लेना, यानी इसमें प्रतिकूल भाव का आचरण नहीं आना चाहिए। प्रतिकूल भाव में आचरण से भक्ति सिद्ध नहीं हो सकती है। अनुकूल शब्द इसीलिए यूज किया गया है कि इसमें प्रतिकूल भावनात्मक भक्ति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कुछ लोग जो है कृष्ण का नाम लेते हैं लेकिन उनकी भक्ति प्रतिकूल रहती है, कृष्ण का नाम लेते हैं पर वो कृष्ण के प्रतिकूल भाव रहता है। सो इसलिए भक्ति के स्वरूप का निर्णय करते हुए श्रील रूप गोस्वामी ने कृष्ण अनुशीलन को अनुकूल्यमयन विशेषण दिया है। मतलब कृष्ण अनुशीलन जो है, हम जो भी कृष्ण के प्रति जो भी क्रिया कर रहे हैं या अपने आप को क्रिया के प्रति विकसित कर रहे हैं, वो कैसी क्रिया होनी चाहिए, कृष्ण के अनुकूल होनी चाहिए। ये समझना बहुत इम्पोर्टेंट है। देखो, हम भक्ति जब भी करते हैं तो ये भक्ति कैसी होनी चाहिए, इसका विशेषण मतलब इसका जो क्वालिटी है, इट शुड क्वालिफाई द विशेषता, इसकी विशेषता कैसी होनी चाहिए, कृष्ण के अनुकूल होनी चाहिए। अनुकूल का तात्पर्य है अनुकूल्यां चास्मिन् अनुद्देशाय श्री कृष्णाय रोचमाना प्रवृत्ति से है। इसका अर्थ है कि जो कृष्ण के प्रति हितकारी या लाभकारी हो, अनुकूल्यां चास्मिन् अनुद्देशाय कृष्णाय रोचमाना, अनुकूल का अर्थ है कि कृष्णाय रोचमाना, कृष्ण के लिए रोचमान हो, रोचमान मतलब रुचिकार, कृष्ण के प्रति क्या हो, रोचमाना हो उस प्रवृत्ति से। और रोचमाना करना मतलब ऐसे कर्म करने की आदत डालना है, प्रवृत्ति मतलब आदत, है ना, ऐसा स्वभाव बनाना है कि मैं जो कुछ भी करूं वो कैसा होना चाहिए, कृष्ण को फेवरेबल होना चाहिए, मतलब कृष्ण को अच्छा लगने वाला हो। अनुकूल शब्द बहुत महत्वपूर्ण है, इसीलिए
अनुकूलता के प्रतिपादन में दो महत्वपूर्ण कसौटी, ये नोट करो आप लोग, बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं। पहला ये है कि साधक का आचरण कृष्ण को रुचिकर लगने वाला होना चाहिए। क्या होना चाहिए? साधक का आचरण यानी जो भक्ति कर रहा है वो कृष्ण को रुचिकर लगने वाला होना चाहिए। रुचिकर मतलब कृष्ण को अच्छा लगे, हाँ, तथा कृष्ण के हित में भी होना चाहिए। कृष्ण को केवल रुचिकर ही नहीं लगे, कृष्ण के हित में भी हो। ऐसा नहीं कि कृष्ण को रुचिकर लगे लेकिन उसका हित में ना हो, कृष्ण का नुकसान करने वाला हो, अर्थात उससे कृष्ण को प्रसन्नता होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? कृष्ण को प्रसन्नता होनी चाहिए, हाँ। और दूसरा लक्षण इसका है, दूसरा कसौटी, कसौटी मतलब जांच, चेक करने के लिए। तो पहला कसौटी क्या है कि कृष्ण को रुचिकर लगने वाला तथा कृष्ण के हित में होना चाहिए, अर्थात कृष्ण को उससे प्रसन्नता होनी चाहिए। और दूसरा है जीव की मनोवृत्ति कृष्ण के अनुकूल होनी चाहिए। मनोवृत्ति मतलब जीव की जो भावना है वो कैसी होनी चाहिए, मैं जो कुछ कर रहा हूँ कृष्ण के फेवरेबल कर रहा हूँ, अर्थात कृष्ण के पक्ष में होनी चाहिए, ना कि कृष्ण से द्वेषपूर्ण होनी चाहिए। जैसे कंस इत्यादि भी, रावण इत्यादि भी कृष्ण से भक्ति कर रहे हैं, राम नाम ले रहे हैं, समझ में आया ना, कृष्ण नाम ले रहे हैं, 24 घंटा कृष्ण का चिंतन कर रहे हैं, लेकिन उनका चिंतन कृष्ण के फेवरेबल नहीं है। वो क्या चाहते हैं? कृष्ण को मार देना चाहते हैं, समझ में आया ना। जितना कृष्ण कॉन्शियस कंस था नॉर्मली उतना कृष्ण कॉन्शियस और कोई हो सकता है। वो पानी के ग्लास में भी किसको देखता है? कृष्ण को देखता है। अपनी पत्नियों को भी कृष्ण और बलराम के रूप में देखता है। उससे ज्यादा कृष्ण भावना भाव कौन हो सकता है, समझ में आया ना। पर वो क्या सोचता था? मार डालो इनको, जहां देखो मार डालो। जीवन भर वो कृष्ण के बारे में सोच रहा है, कृष्ण पैदा होने से 8 साल पहले से सोच रहा है ना, 8-10 साल पहले से, जिस दिन से आकाशवाणी हुई उसी दिन से वो कृष्ण के बारे में सोच रहा है, 24 घंटा सोच रहा है। और सोच सोच के क्या करता है? कितने लोगों की हत्या कर डाला, किसके लिए? शायद वो कृष्ण था, समझ में आया ना, शायद वो कृष्ण है। फिर भी उसको अगर समझ में नहीं आया तो उस दिन जितने बच्चे पैदा हुए सबको मार डालो, किसके लिए? कृष्ण को मार डालना, इसलिए, समझ में आया ना। तो भले कृष्ण के बारे में चिंतन कर रहा है, सोच रहा है कृष्ण के बारे में, कृष्ण का नाम ले रहा है, लेकिन वो भक्ति नहीं है, रुचि कर, तो हमें वैसी भक्ति नहीं करनी चाहिए, समझ में आया ना। यानी मनोवृत्ति कृष्ण के अनुकूल अर्थात कृष्ण के पक्ष में होनी चाहिए। तब यदि ये दोनों नियम एक साथ लागू होते हैं तब हम कह सकते हैं कि साधक के आचरण में भक्ति है, समझ आया ना। ये दो नियम जो है एक साथ अप्लाई होने चाहिए। कौन कौन से? कृष्ण का रुचि, कृष्ण का प्रसन्नता, कृष्ण की रुचि और कृष्ण को रुचिकर लगने वाला काम, अर्थात कृष्ण उससे प्रसन्न होना चाहिए। फेवरेबल वर्क एंड प्लीजिंग, सैटिस्फैक्शन, प्लीजिंग टू कृष्ण, एंड सेकंड कृष्ण के पक्ष में होना चाहिए, यानी कृष्ण के लिए हितकारी होना चाहिए, कृष्ण का हितकारी होना चाहिए। तब हम जो भी करेंगे वो क्या होगा? कृष्ण की भक्ति कहलाएगी, तब वो भक्ति का आचरण कहेगा। जब तक ऐसा नहीं है तब तक कृष्ण कृष्ण नाम लेने से हमारी भक्ति पुष्ट नहीं होती है। इसीलिए हम लोग जन्म जन्मांतर से कई बार भक्ति करते रहते हैं लेकिन ये दो कंडीशन फुलफिल नहीं होने से हमारी भक्ति जो है वो आगे बढ़ती नहीं है। क्यों? क्योंकि हम अनुशीलन नहीं करते हैं। हम कृष्ण का नाम लेते हैं लेकिन भुक्ति भुक्ति सोचते हैं, समझ में ना, ये मिले वो मिले, ये मिले वो मिले, और किसके लिए मिले? मेरे लिए मिले, मेरे परिवार के लिए मिले, मेरे देश के लिए मिले, मेरे गांव के लिए मिले, समझे, हाँ, समाज के लिए मिले, पर कृष्ण के लिए क्या? नाम ले रहे, हम कृष्ण का नाम ले रहे हैं और कृष्ण को रिक्वेस्ट कर रहे हैं मेरे लिए सब कुछ करो, यू अंडरस्टैंड, ये भक्ति नहीं है। तो भक्ति जैसा दिखता है पर भक्ति नहीं है, हाँ। इसी मिसकंसेप्शन के कारण लोगों की भक्ति सही तरीके से गाइड नहीं हो चाहिए। तो उदाहरण के लिए दामोदर लीला में माता यशोदा और कृष्ण, माता यशोदा कृष्ण को दूध पिलाना रोककर उन्हें गोद से उतार करके नीचे रख देती हैं। तो इसका क्या अर्थ है? क्या यशोदा मैया का, हाँ, जो ये आचरण है, क्या यशोदा माया में है? यशोदा भक्ति कर रही है कि नहीं कर रही है?
हाँ, या उस व्यक्ति का उदाहरण भी ले लीजिए, अरे भाई बनकर दोस्त को, हाँ उस व्यक्ति का भी उदाहरण ले लीजिए जो हर चीज में, जैसे चाय है, खाना है, जो कुछ भी है, सब में तुलसी डाल देता है। बहुत सारे लोग हैं बोलते हैं बस तुलसी डाल दिया तो प्रसाद हो गया, है ना, पर वो तुलसी किसके लिए डाला? बहुत सारे लोगों को ऐसे में देखा हूँ, समझ में आया ना, हर चीज में, खाना में, चाय में, सब चीज में, या दवाई में तुलसी डाल देते हैं। हमको प्रेस्क्राइब भी किए। कौन प्रेस्क्राइब किया? Somebody. Oh my God. तुलसी डाल देता है, उसकी अभिवृत्ति अनुकूल है, वो सोचता है कि ये कृष्ण के लिए तुलसी जो है मैं डाल के क्या करूंगा, तो उसकी अभिवृत्ति अनुकूल है, वो भक्ति करने का भाव रखता है, हाँ, और वो सोचता है कि वो भक्ति कर रहा है, समझ में आया ना, उसको लगता भी है कि मैं ऐसा सब करके भक्ति कर रहा हूँ, परंतु उसका आचरण भक्ति नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ये कृष्ण के अनुकूल नहीं है और शास्त्रों में ऐसा अनुमोदन नहीं है, समझे? ये क्या है, तो ऐसा करना जो भी बताते हैं वो क्या बताना चाहते हैं, वो ये बताना चाहते हैं कि कंप्रोमाइज कर लो। क्या बताते? कंप्रोमाइज कर लो, भक्ति करना है ना, तुमसे टाइम नहीं है ना, तो सामने वाले को तो यही चाहिए, कोई मुझे बोलने वाला हो, हाँ, कि इतना तुमको करने को नहीं मिलता, नहीं तुलसी डाल दो हो गया काम, हाँ, तो तुमको लगता है कि अरे मैं भक्ति कर रहा हूँ, समझ में आया ना, तुमको लगता है कि मैं भक्ति कर रहा हूँ और उस व्यक्ति ने मुझे कहा है, इसका मतलब वो सफरन है, साधु है, मंदिर का ऐसा कह दिया है, तो मतलब परफेक्ट है, फिर मेरे को कहीं और चेक करने की जरूरत नहीं है, हाँ, बस उसको करते रहो, उसी चीज को वो आगे भी खुद भी करता है, दूसरे से भी वही करने के लिए कहता है, समझ में आया ना, पर ये कृष्ण के अनुकूल नहीं है, क्यों? क्योंकि ये कृष्ण को अनुकूल नहीं, क्योंकि वो कृष्ण के लिए नहीं कर रहा है, अपने लिए कर रहा है। किसके लिए कर रहा है? आदमी तो ये सिंपली अपने आप में समझ सकता है कि वो जो कुछ भी कार्य कर रहा है वो कृष्ण के लिए कर रहा है कि खुद के लिए कर रहा है, एटलीस्ट वो खुद तो जान सकता है, दूसरा कोई जाने नहीं जाने, पर वो व्यक्ति तो खुद से जान सकता है ना, तो अगर वो व्यक्ति अपने प्रति ईमानदार है ना, तो वो अच्छी तरह से समझ जाएगा कि मैं ये जो स्टंटबाजी कर रहा हूँ ये किसके लिए कर रहा हूँ, सिंपल है ना, ये भक्ति समझना है। तुलसी केवल कृष्ण की प्रसन्नता के लिए उपयोग में लानी चाहिए, ना कि अपनी इच्छाओं की पूर्ति और संतुष्टि के लिए, ये स्टेटमेंट है। तुलसी किसकी सेवा में लानी चाहिए? कृष्ण की सेवा में लानी चाहिए, ना कि अपनी इच्छाओं की पूर्ति और संतुष्टि के लिए। कंस, हिरण्याक्ष, हिरण्यकश्यप इत्यादि राक्षसों का उदाहरण लेते हैं, उनकी मति कृष्ण में स्थिर है, और उनमें उनसे युद्ध करना कृष्ण को अच्छा लगता है। उन लोगों को भगवान ने बोला कि तुम चलो तुमसे मैं युद्ध करूंगा, है ना, उनको इत्यादि राक्षसों से युद्ध करना कृष्ण को रुचिकर लगता है, पर उसे भक्ति नहीं माना जा सकता, क्योंकि इन असुरों में कृष्ण के प्रति द्वेष भाव है, प्रतिकूल भाव, ये अनुकूल भाव, कृष्ण से द्वेष रखना ये क्या है? प्रतिकूल भाव है, समझ में ना। तो पांच प्राइमरी रस और पांच सेकेंडरी रस, उसमें सात सात, तो सात सेकेंडरी रस है, उसमें मैक्सिमम कृष्ण के प्रतिकूल है, समझ में ना। तो जब कृष्ण के अनुकूल भाव से हम अनुशीलन करते हैं कृष्ण, तब वो क्या कहलाता है? वो कृष्ण की भक्ति कहलाता है, बाकी कृष्ण से कनेक्टेड है लेकिन प्रतिकूल होने के कारण उसमें कृष्ण की भक्ति नहीं, ये समझना इम्पोर्टेंट है। और दूसरी ओर दामबंध लीला में आरंभ में कृष्ण का त्याग कर उस समय उफनते हुए दूध को गिरकर नष्ट होने से बचाने के लिए माता यशोदा को भागना पड़ता है, वो कृष्ण को छोड़ करके भागती है, कृष्ण को अपना दूध पिला रही है, कृष्ण को नीचे रख करके, और वो जा करके दूध को बचाती है, तो ऐसा लगता है कि वो कृष्ण की सेवा नहीं की। कृष्ण को भी गुस्सा आता है कि मुझसे इम्पोर्टेंट इसको वो दूध लग रहा है, मेरी सेवा छोड़ करके वो दूध को बचाने के लिए गई, पर मदर यशोदा दूध को बचाने क्यों गई? कृष्ण के लिए बचाने गई, क्योंकि मदर यशोदा को मालूम है कि बच्चे के लिए जो दूध गर्म करने को रखा है, अगर वो दूध बॉइल होकर के आग में गिरता है तो वो बच्चे के लिए अनिष्टकारी है,
तो उसको अपने बच्चे को अपने गोद से उठा करके रखने के पीछे उसका कारण क्या है कि मैं अपने बच्चे का अनिष्ट नहीं चाहती। तो वो करना कृष्ण को अपने गोद से उतार के रखना फिर भी वो कृष्ण के प्रति अनुकूल भाव है ना। क्यों अनुकूल भाव है? यस आई थिंक यू गेट कंफ्यूज्ड ना। अनुकूल भाव कैसे है? क्योंकि मदर यशोदा ने क्या सोचा कि अगर ये दूध गिर के आग में गिरता है तो ये मेरे बच्चे के लिए शुभ नहीं है। तो मेरे बच्चे के लिए अगर ये दूध को शुभ रखना है तो मुझे इसे गिरने से बचाना चाहिए। समझ में आया ना? बच्चे को एक मिनट में उतार दूंगी तो उससे ज्यादा नुकसान नहीं है, लेकिन अगर वो दूध उफन के गिर गया तो उससे बच्चे का नुकसान है। तो ये अनुकूल भाव है, प्रतिकूल भाव है? ये अनुकूल भाव। अभी समझ में आया आपके? और इसके कारण उसके अंदर भक्ति की पुष्टि मानी गई है। वो करना कृष्ण के लिए भक्ति में है, समझ में आया ना? इसीलिए अनुकूल शब्द से प्रतिकूल भाव की अविद्यमानता का ही तात्पर्य है। यानी भगवान जब इस श्लोक में जब रूप गोस्वामी जी कहते हैं अनुकूल है ना, इसका मतलब ये है कि जो भी कुछ करो उसमें कृष्ण के प्रति प्रतिकूल भाव नहीं होना चाहिए, अर्थात उसमें किंचित भी प्रतिकूल भाव का विद्यमान नहीं होना चाहिए। ऐसा कृष्ण अनुशीलन ही उत्तम भक्ति कहलाता है। और अब इसके तथस्थ लक्षण के बारे में डिस्कस करेंगे। तो अनुकूलेन कृष्ण अनुशीलनम, ये जो है भक्तिरुत्तम, ये उत्तम भक्ति कहलाता है। ये हम लोगों ने इसमें अनुकूल इत्यादि जो है अनुशीलन वगैरह सब समझ लिए। अब तथस्थ लक्षण, इसमें पहला लाइन तथस्थ लक्षण कहलाता है। अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम, ये भक्ति का तटस्थ लक्षण है। क्योंकि इस अंश में भोग, इस अंश के द्वारा भोग मोक्ष आदि अभिलाषाओं से तथा ज्ञान कर्म आदि से भक्ति की पृथकता बताई गई है। ये समझ में आया सब? इस अंश में भक्ति को ऐसा बताया गया है कि भक्ति कैसी होनी चाहिए, भोग मोक्ष इत्यादि की अभिलाषा से जीरो, मतलब भोग मोक्ष इत्यादि की अभिलाषा भक्ति में, यानी जब व्यक्ति भक्ति कर रहा है तो अपने भोग की किसी भी कामना से भक्ति क्या होनी चाहिए, मुक्त होनी चाहिए। जब हम कोई भी भक्ति क्या है, कृष्ण के लिए संतुष्टि के लिए कर्म करना, तो जब हम कृष्ण के संतुष्टि के लिए कर्म कर रहे हैं तो उस कर्म में क्या होना चाहिए, उस कर्म में क्लियर यह होना चाहिए कि उस कर्म को करने के लिए केवल कृष्ण की संतुष्टि है, कृष्ण की संतुष्टि को प्रतिपादित करना चाहिए। ये नहीं कि मैं कृष्ण की भक्ति करूंगा तो मुझे बैक टू गॉडहेड जाने को मिल जाएगा, मेरा मोक्ष प्राप्त हो जाएगा, मुझे भोग मिलेगा, मैं सुख से इस जगत में जीवन जीऊंगा, इसके बाद में अगले जन्म में भी मैं वैकुंठ लोक में जाऊंगा, मैं ये सब किसके बारे में, अपने बारे में हो गया है ना। कृष्ण का नाम, कृष्ण का फेम, कृष्ण का लीला सब कुछ यूज कर रहे हैं, पर वो सब यूज करके क्या चाहते हैं, खुद का अग्रैंडाइजमेंट। मैं केंद्र में हूं, ये आईनेस नहीं होना चाहिए। सो भोग आदि मोक्ष अभिलाषाओं से तथा ज्ञान कर्म आदि से भक्ति की पृथकता बताई गई है। यह लक्षण भक्ति के स्वरूप के अंतर्गत नहीं आता है। यह लक्षण क्या है? ये भक्ति का सेकेंडरी लक्षण है, ये भक्ति का स्वभाव नहीं है। भक्ति का स्वभाव कैसा होना चाहिए? अनुकूलेन कृष्णा अनुशीलनम, अनुकूलेन कृष्णा, हाँ अनुकूलेन कृष्णा अनुशीलनम। लेकिन तटस्थ लक्षण यानी सेकेंडरी लक्षण क्या है कि इसके अंदर मोक्ष भोग इत्यादि की कामना नहीं होनी चाहिए, अन्य अभिलाषाओं से वो मुक्त होना चाहिए। सो अन्य अभिलाषिता शून्यम, अर्थात वह भक्ति उत्तम है जिसमें कृष्ण सेवा की कामना को छोड़ करके और कोई भी कामना नहीं होनी चाहिए, एकमात्र कामना है ना, अन्य अभिलाषिता। इसलिए अन्य शब्द यूज किया है, ऐसा नहीं कि सर्व अभिलाषा है ना, और लिस्ट ऑफ अभिलाषा नहीं कहा है, क्या कहा है, वन एंड अदर्स, समझ में ना। तो एक को छोड़ के बाकी सब अलग। सो एक भावना क्या होनी चाहिए, वो है कृष्ण की सेवा की कामना। केवल इच्छा क्या होनी चाहिए, आई विल डू ओनली सर्विस टू कृष्ण। यहाँ तक कि कृष्ण सेवा से उत्पन्न होने वाले अपने सुख का भी यहाँ पे गंध मात्र नहीं होना चाहिए। मतलब जब व्यक्ति कृष्ण की सेवा करता है तो उसको बाय प्रोडक्ट के रूप में क्या मिलता है,
दुख हैप्पीनेस हैप्पीनेस मिलता है पर उसकी भी अभिलाषा नहीं होनी चाहिए। आए तो आए, हाँ नहीं इच्छा होनी ही नहीं चाहिए, मिल गया तो ऑटोमेटिक है। जैसे अगर कोई प्रसाद इसलिए बांट रहा है कि मैं अपने लिए पहले प्लेट बना के रखती हूँ, या मैं प्रसाद इसलिए बांट रहा हूँ कि मेरे को बिना कूपन कुछ प्रसाद खाने को मिल जाए, समझ में आया ना? तो वो क्या हो गया, वो अन्य अभिलाषिता शून्य नहीं है। उसमें क्या है, और जब नेक्स्ट टाइम प्रसाद नहीं मिला तो दोबारा बुलाने के लिए आया, मेरे को बुला रहा प्रसाद के लिए, सहजी करने के लिए, पिछली बार तो मेरे को खिलाया नहीं था, है ना, मेरे लिए तो कुछ बचाया नहीं, आप लोग ने दिया नहीं मेरे को, मैं मांगने के लिए आया तो मेरे को कूपन मांगा, समझ में आया ना? तो मैं क्यों करूँ सेवा? इसका मतलब जो भी सेवा किया पहले वो क्या है, हाँ जब तक प्रसाद मिल गया, हाँ प्रभु मैंने तो कृष्ण की सेवा किया, मंदिर में जाके भक्तों की सेवा किया, समझ में आया ना? पर भक्तों की सेवा का पीछे उद्देश्य क्या था, कुछ तो प्राप्त करना मेरा उद्देश्य था, तो वो सेवा नहीं हुआ। जिस सेवा की वृत्ति ली जाती है उसको सेवा नहीं कहते, मतलब वो वृत्ति किसी भी रूप में हो सकती है, पैसे के रूप में हो सकती है, नेम फेम के रूप में हो सकती है। कुछ लोग इसलिए देते हैं स्पॉन्सरशिप कि मेरा नाम होगा, हरि बोल तीन बार बोल के, है ना? और फिर कुछ लोग बोलेंगे कि उनका जन्म है इसके लिए, सब लोग उन्होंने अपने पूरे परिवार की भलाई के लिए इसके लिए उसके लिए क्या दिया है, स्पॉन्सरशिप किया है, चलो हम लोग तीन बार हरि बोल बोलेंगे। तो ये क्या है, ये अभिलाषा है, दिस इज नॉट भक्ति। भक्ति मीन्स नो एक्सपेक्टेशन, ये क्लियर भक्ति का डेफिनेशन है, समझ में आया ना? कामना नहीं होनी चाहिए, यहाँ तक कि कृष्ण सेवा से उत्पन्न होने वाले अपने स्वसुख की गंध मात्र भी नहीं आनी चाहिए। श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि कृष्ण की सेवा के अतिरिक्त किसी भी प्रकार की कामना को भौतिक कामना समझना चाहिए, भौतिक कामना कहलाती है। यानी इस जगत में अगर हम कृष्ण की संतुष्टि को छोड़ करके कोई और अभिलाषा रखते हैं तो वो क्या कहलाती है, मटीरियलिस्टिक डिजायर्स। अभिलाषा शब्द का अर्थ होता है इच्छा या कामना। मूल श्लोक में अभिलाषा शब्द का प्रयोग न करके अभिलाषिता शब्द का प्रयोग किया गया, अन्य अभिलाषा नहीं कहा गया, अन्य अभिलाषिता। श्री रूप गोस्वामी इस शब्द के प्रयोग से स्वभाव अर्थ या प्रवृत्ति को प्रकाशित करना चाहते हैं। स्वभाव अर्थ या प्रवृत्ति समझे क्या, मतलब ये शब्द यूज करके वो बताना चाहते हैं कि प्रत्येक प्राणी के अंदर एक मूलभूत स्वभाव होता है या उसका एक आचरण होता है, समझ में आया ना, उसको बताना चाहते हैं। अतः अभिलाषिता शब्द का अर्थ है अभिलाषा से युक्त व्यक्ति, मतलब अभिलाषिता मतलब ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर इच्छा प्रोड्यूस ऑटोमेटिक होती है, नहीं प्रोपेंसिटी टू डिजायर, यू अंडरस्टैंड, प्रोपेंसिटी टू डिजायर, प्रोपेंसिटी टू डिजायर मतलब इच्छा व्यक्त करने की स्वभाव, वो आएगा। जैसे अगरबत्ती जलाए तो उसका जो धुआं निकलेगा उसमें गंध है तो इसलिए स्मेल आएगा, समझ में आया ना? तो जब व्यक्ति जिंदा है नॉर्मल है, हाँ, तो उसका माइंड है तो उस माइंड में क्या आएगा, अभिलाषा आएगा, इच्छा आएगा ही। इसलिए इच्छाओं को क्या कहा जाता है, इच्छाएं जो है वो समुद्र के लहर के समान है, कभी खत्म नहीं होती। क्यों नहीं खत्म होती है, क्योंकि वो इच्छाएं प्रोड्यूस हो रही है, कंटिन्यूसली प्रोड्यूस हो रही है, समझ में आया ना? अभी कोई मेरे को बताएगा समुद्र में लहरें क्यों कंटिन्यूस आती है? साइंटिस्ट लोग तो बहुत सारे चीज बताते हैं, आप लोग क्या बताएंगे? यस, कूर्मदेव जब मंथन के समय में नीचे जाते हैं ना, तो नीचे जाकर के जब सांस लेते हैं तो उनके जो उच्छ्वास बाहर निकलता है उससे गुलगुल तो लहर के रूप में, रिपल्स के रूप में क्रिएट होता है, इसलिए लहरें क्रिएट होती है। उसी तरह से जब व्यक्ति कॉन्शियस है, चेतन है, मन बुद्धि और अहंकार से युक्त है, तो उसके अंदर इच्छाएं आएंगी। ये मंथन जो हुआ था क्षीर सागर में हुआ था ना? हाँ जी, तो क्षीर सागर कहाँ? क्षीर सागर है ना, अभी आप डाइवर्ट क्यों कर रहे हैं पॉइंट, हम लोग कुछ और डिस्कस कर रहे हैं, आप क्षीर सागर का ज्योग्राफी क्यों जानना चाहते हैं, वो तो आप बाद में भी पूछ सकते थे। ठीक,
क्या आपको वो सुनना ज्यादा अच्छा लग रहा है ये सुनने से? नहीं ठीक है, चले दीजिए। इसका तात्पर्य है कि भक्ति के है कि उत्तम भक्ति के आचरण में भक्त की नित्य प्रति कृष्ण अनुशीलन की ही अभिलाषा होनी चाहिए। मतलब मैं जो कुछ भी करूंगा केवल क्या करूंगा, इन फेवर ऑफ कृष्ण। इस प्रकार की इच्छा से उसे तृप्त नहीं होना चाहिए, उसके अंदर इस प्रकार की इच्छा को एग्जीक्यूट करने के लिए आलस्य भी नहीं होना चाहिए। उत्तम भक्ति में यदि कोई भक्त अन्य कामना भी करता है तो वह अस्वाभाविक ही होती है। अगर कुछ अन्य इच्छा भी लेता है तो वह अस्वाभाविक होती है। कैसे? जैसे यदि कोई भक्त मृत्यु का संकट उपस्थित होने पर श्री कृष्ण से उस संकट से बचने के लिए प्रार्थना करता है, जैसे कुछ आ गया तो हे कृष्णा बचाओ, हाँ बोलेगा ना, है कि नहीं, बोलेगा कि नहीं बोलेगा। इसका मतलब वो कृष्ण को सेवा करना चाहता है या कृष्ण से सेवा लेना चाहता है? तो ये भक्ति कैसे हो? ये तो उसका फेवरेबल हो गया, समझ में आया ना? ये क्या हो गया? उसके फेवरेबल हो गया, समझ में आया ना? तो यह उसकी स्वाभाविक वृत्ति नहीं है। लेकिन वो कृष्ण को क्यों पुकारा? जानते का पॉइंट नहीं है, जानने का पॉइंट नहीं, वो तो कॉन्शियसली हो गया। जैसे बच्चा है, जब कहीं भी कोई थप्पड़ मार देता है, ठेस लग जाता है, गिरता है तो किसको बुलाता है ना? बुढ़ा होने पर भी किसको बुलाता है? माँ। क्यों बुलाता है भाई? बचपन से माँ का ही चिंतन किया है। जब वो छोटा था तब से लेकर के जब भी उसको कोई घटना घटती थी, कुछ भी खतरा आता था, तो किसको चिल्ला के भागता था? माँ। समझ में आया ना? तो वो उसका क्या बन चुका है? स्वभाव बन चुका है। बुढ़ा होने के बाद में भी उसकी माँ जिंदा नहीं है, समझ में आया ना? फिर भी अगर उसको ठेस लगती है, गिरता है, कुछ तकलीफ आती है तो किसको बुलाता है? माँ को। उसको मालूम है मेरी माँ हेल्प करने आने वाली नहीं है, फिर भी बुलाया किसको? मतलब वो उसका आदत पड़ चुका है। तो उसी तरह से जब व्यक्ति हमेशा कृष्ण के ही चिंतन में रहेगा, कृष्ण के बारे में ही सोचता रहेगा, कृष्ण के लिए ही कुछ करता रहेगा, तो अचानक अगर उसके ऊपर कुछ मुसीबत आ गया तो वो अनकॉन्शियसली कौन किसको पुकारेगा? तो ये उसकी वृत्ति नहीं है, समझ में आया ना? ये क्या हो चुका है? मतलब कृष्ण को सहायता के लिए पुकारना, वो जानबूझ के पुकारा नहीं कि कृष्ण मेरी मदद को आओ, समझ में आया ना? उसके मुख से अचानक निकला पर उसका इंटेंशन नहीं है कि कृष्ण आओ और मेरे को बचाओ। क्यों? क्योंकि कृष्ण को बारे में ही उसका पूरा चिंतन है, सब कुछ कृष्ण के बारे में ही है। तो उसके मन से कोई चीज कॉन्शियसली निकले या अनकॉन्शियसली निकले, वो किसके बारे में निकलेगा? कृष्ण के बारे में निकलेगा। यू अंडरस्टैंड दिस? हाँ, वो कृष्ण के बारे में ही केवल निकलेगा। इसीलिए जो है ये जो प्रार्थना करता है वो, ये उसका वृत्ति नहीं है, ये केवल स्वभाव विपर्य के कारण होता है, समझ में ना? उसका ऑलरेडी वो स्वभाव बन चुका है कि मैं कृष्ण को छोड़ के कहाँ जाऊँ, मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ी जहाज को पंछी पुन जहाज पर आ। भगवान को छोड़ करके व्यक्ति कहाँ जाएगा, समझ में आया ना? अगर भगवान को छोड़ करके कहीं जाना भी चाहता है तो कितना भटकेगा। जैसे समुद्र, डीप समुद्र के अंदर एक जहाज है, वही एक सहारा है पक्षी के लिए, उसी के ऊपर बैठा है। अगर वो पक्षी जहाज को छोड़ करके उड़ के भागना चाहे तो किधर जाएगा? 10 किलोमीटर इधर जाए, 50 किलोमीटर उधर जाए, जितना भी किलोमीटर जाएगा सब तरफ क्या दिखता है? पानी पानी दिख रहा है। अगर उसको फिर से शेल्टर चाहिए तो कहाँ आएगा? वही जहाज पे आकर के बैठना पड़ेगा। उसी तरह से जब व्यक्ति के केवल भगवान ही स्वाभाविक सहारा बन जाते हैं, समझ में आया ना, तब उसको मन से जो कुछ भी निकलेगा वो केवल किसके लिए निकलेगा? कृष्ण से संबंधित निकलेगा, समझ में आया ना? बच्चा डर जाता है तो किसको पुकारेगा? माँ को पुकारता है। तो हम भी अचानक हमारे साथ कुछ हुआ तो हम किसको पुकारेंगे? कृष्ण को पुकारेंगे, समझ में आया ना? तो वो कृष्ण से सेवा लेने का भाव से नहीं किया गया है, ये केवल स्वभाव विपर्य के कारण होता है। इस प्रकार के कार्य उसे उत्तम भक्ति से च्युत नहीं करता। मतलब इस तरह से वो अगर बुलाता है कृष्ण को तो ऐसा नहीं कि वो उत्तम भक्त नहीं है। इसका तात्पर्य है कि यद्यपि कोई भक्त साधन भक्ति के स्तर पर है तो भी वह शुद्ध भक्ति या उत्तम भक्ति कर सकता है। साधन भक्ति पर हो तो भी व्यक्ति जो है वो पूरी तरह से कृष्ण पर
यह कोई यह पूछ सकता है कि जब तक हम साधन भक्ति के स्तर पर हैं तब तक कुछ इच्छाएं रहती हैं हमारी? साधन भक्ति मतलब साधना भक्ति, जैसे भाव भक्ति या प्रेम भक्ति की प्राप्ति की इच्छा। साधन भक्ति के स्तर का आदमी क्या सोचता है, मैं भक्ति में और ऊपर बढ़ूं, कृष्ण से और ज्यादा प्रेम करूं, है ना? तो इस प्रकार की इच्छाएं भक्ति के उच्चतर स्तर को प्राप्त करने के लिए होती है, मतलब कृष्ण की और सेवा करने की इच्छा और बलवती होती है, तो वो भक्ति वो क्या कहलाती है? ऐसा नहीं कि वो उत्तम भक्ति से कम है, समझ में आया? यानी और भक्ति करने की, क्योंकि वो तो कृष्ण के फेवरेबल है, मैं कृष्ण से अभी इतने लेवल पर प्रेम कर रहा हूँ और कृष्ण से और थोड़ा ऊपर प्रेम करना चाहता हूँ और ज्यादा समय कृष्ण के इसमें डिवोट करना चाहता हूँ, समझ में आया ना? तो एक्चुअली वो कृष्ण से रिलेटेड इच्छा है, समझ में आया ना? वो अन्य अभिलाषा के अंदर नहीं आया, समझ में आया पॉइंट? वो कृष्ण से रिलेटेड इच्छा है और हम कृष्ण के प्रति अपना प्रेम और जो है उसका दायरा बढ़ाना चाहते हैं, कृष्ण की सेवा का दायरा और बढ़ाना चाहते हैं, समझ में ना? तो यद्यपि कृष्ण की भक्ति में ऊपर उठने की इच्छा जो है वो एक इच्छा है, समझ में आया ना? लेकिन कौन सी इच्छा है? कृष्ण से प्रेम करने की और ज्यादा इच्छा है। तो ये इस प्रकार की इच्छाएं भक्ति के उच्च स्तर को प्राप्त करने के लिए अतः यह शुद्ध भक्ति या उत्तम भक्ति के सिद्धांतों के प्रतिकूल नहीं है, क्योंकि प्रत्येक स्तर पर मूल सिद्धांत कृष्ण सेवा ही है। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि कृष्ण भावनामृत में सब कुछ पूर्ण है, साधन और साध्य एक ही है। साधन क्या है? भक्ति। साध्य क्या है? भक्ति। समझ में? जबकि कर्म कांड में, कर्म में, ज्ञान में, ध्यान में क्या है? साधन अलग है, साध्य अलग है। कर्म का साध्य क्या है? कर्मयोग का साध्य क्या है? साधन क्या है? साधन कर्म करना है। साध्य क्या है? भक्ति प्राप्त करना है। ज्ञान योग का साधन क्या है? ज्ञान प्राप्त करना है, ना? ज्ञान 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 मतलब स्टडी करना है। और साध्य क्या है? भक्ति प्राप्त करना। तो साधन और साध्य अलग अलग है। साध्य किसको बोलते हैं? गोल, है ना? और साधन मतलब द प्रोसीजर, हाँ, प्रोसीजर मार्ग। तो साधन साध्य अलग अलग है, लेकिन भक्ति में साधन क्या है? भक्ति। साध्य क्या है? भक्ति। तो साधन साध्य भक्ति होने के कारण वो भक्ति ही कहलाता है। साधन और साध्य एक ही है, इसलिए कृष्ण भावनामृत में भक्ति ही साधन है और भक्ति ही साध्य है। फिर ये तो हो गया, क्या कहते हैं, अन्य अभिलाषिता शून्यम, ज्ञान अभिलाषिता शून्यम, है ना? और फिर ज्ञान कर्म आदि अनावृत, दो शब्द और रह गए, ज्ञान और कर्म और अनावृत। सो ज्ञान क्या है? ज्ञान के तीन अंग माने गए हैं। पहला है तत्पदार्थ का ज्ञान, अर्थात पर तत्व या भगवान तत्व, हाँ, का ज्ञान, जैसे कृष्ण पर तत्व वस्तु है, ये सब जानना। और वे अद्वैत ज्ञान पर ब्रह्म तत्व है, यानी ये जानना, कृष्ण के बारे में जानने की बात है, तो कृष्ण के बारे में क्या क्या जानना चाहिए उसको कहते हैं तत्पदार्थ। तत्पदार्थ मतलब कृष्ण का ज्ञान, अर्थात परतत्व या भगवत तत्व का ज्ञान, जैसे कृष्ण परम तत्व वस्तु हैं, वे अद्वैत ज्ञान पर ब्रह्म तत्व हैं, सर्व कारण कारणम है, समस्त ऐश्वर्य माधुर्य गुणों के निधान है, सविशेष सगुण सच्चिदानंद विग्रह यौ परम करुणामय है, समस्त वेद शास्त्रों के प्रतिपाद्य हैं, सबके नियंता सर्वाश्रय सर्वदर्शी यौ भगवान स्वयं भगवान यौ उपास्य तत्व हैं, इत्यादि। इस प्रकार के ज्ञान को क्या कहते हैं? तत्पदार्थ का ज्ञान, यानी दीज आर ऑल रिलेटेड टू कृष्ण। दूसरा ज्ञान का अंग है त्वम पदार्थ का ज्ञान, यानी जीव के स्वरूप का ज्ञान और जीव और ब्रह्म से संबंधित ज्ञान, मतलब जीव कौन है और उसका भगवान से संबंध क्या है, इसका ज्ञान जो है। तो जीव स्वरूप के ज्ञान का तात्पर्य है कि जीव परतत्व वस्तु की चित, परतत्व वस्तु कृष्ण की चित रूपा तटस्था शक्ति है, यानी कृष्ण की तीन कॉन्शियस शक्तियां हैं। चित रूपा मतलब कॉन्शियस, कि कृष्ण की तीन चेतन शक्तियां हैं, वो कौन कौन सी हैं? बहिरंगा, अंतरंगा और तटस्था, इंटरनल एक्सटर्नल एंड मार्जिनल। तो जीव क्या है? जीव नाइदर एक्सटर्नल नॉर इंटरनल, जीव क्या है? मार्जिनल, तटस्थ शक्ति है। तो
जीव का बारे में अगर जानना है तो क्या जानना पड़ेगा, जीव जो है वो कृष्ण की तटस्थ शक्ति, जैसे कृष्ण भी क्या कहते हैं, उनका विभिन्न अंश भेदाभेद प्रकाश स्वरूप है, यानी वो कृष्ण से भेद भी है और उसमें और अभेद भी है, मतलब कृष्ण के साथ वो एक जैसा भी है और कृष्ण से भिन्न भी है, तो भेद कैसा है और अभेद कैसा है, हाँ गुणात्मक रूप से कृष्ण के जैसा है और प्रमाण के रूप में कृष्ण से भिन्न है ना। तो गुणात्मक रूप क्या है, कृष्ण भी सच्चिदानंद स्वरूप है और जीवात्मा भी सच्चिदानंद स्वरूप है, और जो प्रमाण है हाँ यानी जो क्वांटिटी है, तो क्वांटिटी के इसमें क्या है, कृष्ण विभू है और जीव अणु है ना। कितना अणु है, कितना छोटा है जीव, जीव का स्वरूप कितना है भैया, बाल के नोक का 10,000वां हिस्सा है, बाल का जो टोक होता है ना उसका कितना है, 10,000वां हिस्सा है। तो इस तरह से भेद अभेद, मतलब भेद भी है और अभेद भी है, ये जीव का स्वरूप है, वो भी प्रकाश स्वरूप है। जीव ज्ञान स्वरूप या ज्ञाता है, जीव जो है वो ज्ञान स्वरूप भी है और ज्ञाता भी है, जीव जानता भी है। अर्जुन ने भगवान से पूछा था ना कौन से चैप्टर में, ज्ञानम ज्ञेयम च केशव, वो जो स्टोर है ना, हाँ क्षेत्र क्षेत्रज्ञम 13वां अध्याय, हाँ क्षेत्र क्षेत्रज्ञम, हाँ ये सब ज्ञान जो पूछता है उसमें ज्ञान, तो जीव जो है वो ज्ञान स्वरूप भी है और ज्ञाता भी है, मतलब जीव जो है वो कॉन्शियस भी है और खुद के बारे में जानता भी है। इसमें कर्तृत्व है, वह अणुचित है, उसमें अणु स्वातंत्र भी है, यद्यपि वो कृष्ण का अंश है लेकिन उसके अंदर जिस तरह से कृष्ण कौन है, कृष्ण जो है वो स्वराट कहलाते हैं, जीवात्मा भी कौन है वो भी स्वतंत्र है लेकिन अणु स्वतंत्र है, कृष्ण पूर्ण स्वतंत्र है, जीवात्मा अणु स्वतंत्र है, हाँ उसको अणु स्वतंत्र कहते हैं। वह स्वरूपतः परतत्व श्री कृष्ण का नित्य दास है, जीव स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास, उनके द्वारा नियंत्रित है, जीव जो है वो कृष्ण के नियंत्रण में है, उनसे उनका नित्य पृथक अस्तित्व है और कृष्ण का ही अस्तित्व है लेकिन फ्रेगमेंटेड पार्ट एंड पार्सल, नित्य नित्य मतलब ऑलवेज शाश्वत काल से, चाहे वो वैकुंठ में रहे, गोलोक में रहे या भूलोक में रहे, सब जगह जीव क्या है, नत्यवाहम जातु नासं नत्वं नेमे जना अधिपा न चाहे वह भविष्याम सर्वे वयमतः परम। भगवान ने भगवद गीता में ही क्लियरली कह दिया है कि ऐसा कोई समय नहीं था कि जब तुम नहीं थे, मैं नहीं था और ये राजा लोग नहीं थे, ऐसा कोई समय नहीं रहेगा जब तुम नहीं रहोगे, ये नहीं रहेंगे और ये राजा लोग नहीं रहेंगे, मतलब हर परिस्थिति में हम सब लोग क्या रहेंगे, अणु स्वतंत्र रहेंगे, अलग अलग रहेंगे, समझे। तो ये जीव के स्वरूप का ज्ञान है, उसका नित्य पृथक अस्तित्व है, श्री कृष्ण के साथ नित्य सेवक सेवक का संबंध है उसका, कृष्ण का वो कौन है, सेवक है, कृष्ण जो है स्वामी है और जीव कौन है, कृष्ण का सेवक है, ये उसका नित्य संबंध है, और संबंध का स्वरूपानुबंधी ज्ञान इत्यादि, हाँ मतलब कृष्ण क्या साथ में उसका क्या रिलेशन है, ये रिलेशन जानना, इस प्रकार के ज्ञान को क्या कहा जाता है, त्वम पदार्थ का ज्ञान, यानी सोचो कितना जानना है उसको इसके बारे में, और जीव ब्रह्म एक का ज्ञान, ये भी एक जानने की बात है, इसमें क्या जानना है, जीव ब्रह्म एक का ज्ञान, मतलब कोई लोग कहते हैं कि जीव और ब्रह्म एक है, एक ही दोनों वस्तु है ना, मायावाद, जीव और ब्रह्म में कोई भेद नहीं है, लोग कहते हैं जीव ही ब्रह्म है, जीव का कुछ जीव का कुछ पृथक अस्तित्व नहीं है, इस ईश्वर मायावाद होकर के जीव का संज्ञा पाता है, मतलब ईश्वर ही जब माया के अधीन हो जाता है तब उसको जीव कहते हैं, इस प्रकार का मायावादी या निरीश्वरवादी ज्ञान या निराकारवादी ज्ञान जो है ये क्या है, जीव ब्रह्म एक का ज्ञान है, इस ज्ञान का अनुशीलन नहीं करना चाहिए, समझ में आया ना, हाँ ये जानना चाहिए कि मुझे इस ज्ञान का अनुशीलन नहीं करना है। तो मूल श्लोक में प्रयोग किए गए ज्ञान का तात्पर्य उपरोक्त ज्ञान के पहले दो अंगों से ही है, यानी तत्पदार्थ का और त्वम पदार्थ का, इसका तात्पर्य तीसरे अंग से नहीं है, अर्थात जीव ब्रह्म एक का ज्ञान जो है उसे नहीं स्टडी करना है, क्योंकि यह
ज्ञान भक्ति का नितांत विरोधी है। अगर कोई व्यक्ति ये ज्ञान पढ़ेगा जीव ब्रह्म एक का ज्ञान, तो इसमें क्या डिफिकल्टी है? मायावाद में डिफिकल्टी क्या है? हाँ, सेव्य सेवक भाव छाड़ी अपनार ईश्वर, वो कृष्ण को सेवक और सेव्य का भाव जो है, कृष्ण के साथ उसका जो संबंध है उसको भूल जाएगा वो, और अपने आप को क्या मानने लगेगा? वो अपने आप को ही ईश्वर मानने लगेगा। तो जब स्वयं अपने आप को ईश्वर जीव मानने लगेगा तो भगवान की सेवा कहाँ करेगा? और जब वो स्वयं अपने आप को भगवान मानेगा तो फिर भगवान का अस्तित्व कहाँ रह गया? यू अंडरस्टैंड, भगवान का कोई पृथक अस्तित्व नहीं रह जाएगा, वो अपने आप को ही भगवान मानेगा, और भगवान भगवान आपस में पॉलिटिकल कुर्सी के लिए लड़ेंगे और भगवान लोग ही वोट देंगे। इस प्रकार का मनगढ़ंत ज्ञान निरर्थक और तुच्छ है। ब्रह्म जीव के एक के ज्ञान में जीव ब्रह्म के स्वरूपगत संबंध अर्थात सेव्य सेवक संबंध की स्फूर्ति नहीं होती है। सेव्य सेवक भाव ही भक्ति का प्राण है। जब तक ईश्वर नहीं है भक्त नहीं है, भक्त नहीं भगवान नहीं है, और भक्ति नहीं है तब तक भक्ति में कोई चांस नहीं है। तो जब ये तीनों चीजें अलग अलग नहीं है तो भक्ति करने का मतलब ही नहीं, भक्ति को समझने का मतलब ही नहीं है। समझ गया ना? भक्त नहीं है, भगवान नहीं है, और भक्ति नहीं है, है ना, और भगवान है ही नहीं और भक्त नहीं है, तो फिर भक्ति पढ़ने की जरूरत ही क्या है? भक्ति करने की जरूरत ही क्या है? समझ में आया ना? भगवान के मंदिर में विग्रह रख करके सेवा करने का मतलब ही क्या है? कोई वैल्यू नहीं है। तब व्यक्ति क्या हो जाता है? तब व्यक्ति जो हो जाता है पागल हो जाता है, और अपने आप को ही भगवान मानने लगता है और अपना विनाश कर बैठता है। तो इसीलिए ज्ञान निरर्थक और तुच्छ है। सेव्य सेवक भाव ही भक्ति का प्राण है। अतः इस प्रकार के ज्ञान से अनावृत भक्ति को ज्ञान और कर्म, इस तरह के ज्ञान और कर्म से अनावृत होना चाहिए। ज्ञान से अनावृत शुद्ध भक्ति को ही उत्तम भक्ति कहा गया है। मतलब भक्ति में जीव ब्रह्म एक का ज्ञान बिल्कुल, यानी मायावादी ज्ञान से भक्ति पूरी तरह से ये रहनी चाहिए। तीसरा है कर्म, यहाँ स्मार्ट कर्म। स्मार्ट कर्म मतलब नित्य नैमित्तिक अर्थात स्मृतियों में वर्णित यज्ञ हवन इत्यादि दान। यज्ञ हवन दान व्रत आदि कर्मों से तात्पर्य है। समझना ना, कर्म दो प्रकार के होते हैं। पहला तो भक्ति के, भक्ति में भी व्यक्ति कर्म करता हुआ दिखता है। समझना ना, अकर्म, हाँ अकर्म में भी कर्म करता हुआ नजर आता है। मतलब अकर्म में भी कर्म एक्टिविटी है, यू अंडरस्टैंड, और कर्म में भी एक्टिविटी है, कर्म में भी एक्टिविटी है और भक्ति में भी एक्टिविटी है, लेकिन भक्ति में जो कर्म किया जाता है वो कर्म की श्रेणी में नहीं आता है। तो फिर कर्म की श्रेणी में क्या आता है? कर्म की श्रेणी में ये स्मार्त नित्य नैमित्तिक अर्थात नृत्यों और पुराणों इत्यादि में, स्मृतियों में, पुराणों में, शास्त्रों में जो भी हाँ वर्णित यज्ञ हवन दान व्रत आदि जो है, ये सब कर्म उससे है, उन सब कर्मों से रिलेटेड है। तो वो कर्म से भी भक्ति क्या होनी चाहिए? अनावृत होनी चाहिए। इन कर्मों से इस श्लोक में, इस लोक में अथवा परलोक में, स्वर्ग आदि में जाकर नित्य भोग, अनित्य भोग सुखों की प्राप्ति हो सकती है। इनसे संसार बंधन की निवृत्ति नहीं होती है। नहीं, नित्य नैमित्तिक कर्म जो है, जो शास्त्रों में की बताए गए जो कर्मकांड के कर्म हैं, उनको करने से आपको, आप एक प्लेनेट से दूसरे प्लेनेट पे जा सकते हो। कभी वही कर्म करके नर्क में जा सकते हो, वही कर्म करके आप स्वर्ग में जा सकते हो, ब्रह्मलोक तक जा सकते हो, लेकिन भक्ति नहीं मिलेगी। फ्रूटी एक्टिविटीज, हाँ फ्रूटी एक्टिविटीज कहा जाता है। फ्रूटी एक्टिविटी से भक्ति नहीं मिलती है। इनसे संसार बंधन से निवृत्ति नहीं होती है। भक्ति की प्राप्ति की बात तो दूर रही, अगर ये सब फ्रूटी एक्टिविटी करेंगे तो इससे व्यक्ति जो है संसार से ही नहीं निकल सकता है। यही ब्रह्मांड में आ ब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्तिनो अर्जुना, केवल इसी ब्रह्मांड में वो चक्कर मारता रहेगा। कभी अपर प्लेनेटरी सिस्टम में जाएगा, कभी लोअर प्लेनेटरी सिस्टम में आएगा, साइकिल के चक्के की तरह से एक ही धुरी के चारों तरफ घूमता रहेगा, पर बाहर नहीं निकल सकता। भक्ति कहाँ से प्राप्त होगी? भक्ति तो बहुत बड़ी चीज है, कृष्ण प्रेम है वो। तो मन और इंद्रियों के सुख भोग की वांछा ही इस तरह के कर्मों की प्रवर्तक होती है। मतलब
अगर व्यक्ति के मन में सुख भोग की या इंद्रिय तृप्ति की अभिलाषा है तो वही कर्म, तो ये कर्म में वो लगेगा। कामास्तस्तर तज्ञान प्रपद्यन्ते अन्य देवता तम तम नियमम अस्थाय प्रकृत नियत स्वया अंतवंत फलम तेषां तद्भवति अल्पमेधसाम। ऐसा कर्म करने वाले कौन लोग होते हैं? बुद्धिहीन लोग। मतलब जो व्यक्ति अपने सुख दुख के लिए स्वर्ग इत्यादि की प्राप्ति के लिए कर्म कांड में लगे रहते हैं ऐसे व्यक्ति तुच्छ होते हैं। सब पहली बार सुन रहे हो लगता है। ऐसे व्यक्ति तुच्छ होते हैं, इनसे कृष्ण अनुशीलन का लेस मात्र भी नहीं रहता, उससे कृष्ण की प्राप्ति तो दूर है। कृष्ण सेवा संबंधी परिचर्या इत्यादि जो कार्य है उनकी गणना कर्मों में नहीं की जाती है, उन्हें शास्त्रों में भक्ति का अंग या साधन के रूप में स्वीकार किया गया है। जैसे नारद पंचरात्र में कहते हैं, देवर्षे विहिता शास्त्रे हरे उद्देश्य या क्रिया समय भक्ति रीति प्रोक्ता तया भक्ति परा भवेत। हे देवर्षि, नारद पंचरात्र में कहा गया है, हे देवर्षि, शास्त्रों में कृष्ण के उद्देश्य से जो क्रिया विधान की गई है वह भक्ति ही है। शास्त्रों में कृष्ण के उद्देश्य से जो क्रिया विधान की गई है, मतलब कृष्ण के, जैसे 11th कैंटो भागवतम पढ़ोगे हाँ, तो उसमें भगवान जो है क्रिया योग की चर्चा करते हैं। क्रिया योग मालूम है? कुछ लोग जो है क्रिया योग करके योगा इंस्टीट्यूशन भी चलाते हैं, समझे है ना। पर क्रिया योग विशेष करके डीटी वर्शिप है, हम जो विग्रह सेवा करते हैं ना, भगवान का विग्रह बना करके उनका सेवा जो करते हैं, उनको भोजन कराना, कपड़े पहनाना, नहलाना, धुलाना, ये जो सेवा है ये क्रिया योग कहलाता है। सो कहते हैं, देवर्षे विहिता शास्त्रे हरिमुद्देश्य या क्रिया, हरि को उद्देश्य करके शास्त्रों में जो क्रिया बताई गई है सवै भक्ति रीति प्रोक्त, उसी को भक्ति कहते हैं। तया भक्ति पराभवित, और ऐसी भक्ति से, ऐसी भक्ति का आचरण जो है वो परा श्रेष्ठ उत्तम भक्ति कहलाता है। यानी डीटी वर्शिप करना भी क्या है? कृष्ण की सेवा है। कृष्ण को खाना पकाना, सोचना, फूल लाना, कमाई करना, नौकरी करना, कपड़े धोना, कृष्ण के लिए कपड़े सिलना, कृष्ण का मंदिर मार्जन करना, जितना भी सेवा है ये सब क्या है? ये भक्ति के अंतर्गत आता है ये। लेकिन हम हमारे कॉन्शियसनेस से, हमारे चेतना से इसको क्या करते हैं? हम मंदिर में आके जो भी सेवा करते, झाड़ू लगाना भी सेवा जो है वो बहुत बड़ी सेवा है। लक्ष्मी सहस्त्र शत संभ्रम सेव्यमानम, लक्ष्मी लोग जो है कृष्ण के घर में झाड़ू लगाने के लिए तैयार है। कोई डस्ट नहीं, समझ में आया? डस्ट नहीं है फिर भी झाड़ू मारने के लिए तैयार है। क्यों? क्योंकि कृष्ण की सेवा सबसे श्रेष्ठ सेवा होती है इस जगत में। सेटिस्फैक्शन, हाँ, कृष्ण की सेवा इस जगत में सबसे श्रेष्ठ सेवा होती है। हाँ, पर हम लोग क्या करते हैं? वो सेवा जो है तुच्छ चीजों के, स्वार्थ की, बहुत इंद्रिय तृप्ति की, कुछ तुच्छ चीजों के बदले में बदल देते हैं। यानी कोई आदमी 1 करोड़ लेके जाए या 1 इतना बड़ा कोहिनूर डायमंड लेके जाए और बोले मेरे को 1 चॉकलेट ये रख लो, मेरे को 1 चॉकलेट दे, उसको वो डायमंड का क्या वैल्यू पता है? जो 10 पैसे के चॉकलेट के लिए उसने क्या किया? उसको एक्सचेंज कर लिया। तो लोग भक्ति किसके लिए करते हैं? कि मेरा बेटा पास मेरे को 1 नया साड़ी मिल गया है ना, हाँ मेरा पति ठीक हो जाए, हाँ मेरे घर वाले मुझे मंदिर में आने दे, हाँ वो लड़की मेरे फेवरेबल हो जाए। ये उद्देश्य क्या है? ये वो बोलते हैं ना, पैटर्न टैंक लेके आए एक मच्छर को मारने के लिए, एक चींटी को मारने के लिए बड़ा पैटर्न टैंक लेके। तो कृष्ण की भक्ति करने वाला व्यक्ति जो है अगर इस तरह की अभिलाषा करता है तो उससे बड़ा मूर्ख कोई नहीं हो सकता। और इसका मतलब है कि उस व्यक्ति ने कृष्ण के भक्ति के तत्व को समझा नहीं है, समझा ना। इसीलिए जैसे किसी बच्चे को दे दो, उसको मालूम नहीं है 1000 का नोट है कि 5000 का नोट है कि 5000 के नोट का बंडल है, समझ में ना। इतना थिक बंडल 1000-1000 के नोटों का दे दो, उसको क्या लगेगा? कागज है नहीं, उसको मालूम है ऐसा नोट देने से मेरे को दुकान में कुछ मिलता है तो सीधा लेके जाएगा, दुकानदार को दे देगा, बोला चॉकलेट है ना, उसको मालूम नहीं 1000 रुपए का कोई वैल्यू। हाँ,
और उसको एक चॉकलेट दे दिया तो 1000 रुपये वही छोड़ के भाग जाएगा, वो ये भी नहीं बोलेगा पैसा वापस दो छोटा पैसा वापस दो, बोलेगा क्या? नहीं बोलेगा। इसका मतलब जो व्यक्ति भक्ति करके ये सारी चीजें मांगता है वो, उसको पता नहीं कि भक्ति वो जो कर रहा है वो क्या है, और उसने अपने चेतना से उस भक्ति का क्या कर दिया, विनाश कर दिया, उस भक्ति को उसने तुच्छ चीजों में कन्वर्ट कर दिया। इसीलिए भक्ति के तत्व को समझना बड़ा इम्पोर्टेंट है। इस श्लोक में श्री रूप गोस्वामी ने ज्ञान तथा कर्म के साथ आदि शब्द और जोड़ दिया है, ज्ञान कर्म आदि। इसका तात्पर्य है विषय वैराग्य आत्मानात्म विचार रूप सांख्य और पतंजलि के अष्टांग योग अभ्यास से भी है। मतलब उस दिन बताया था आप लोगों को 6 टाइप का सिस्टम है, कौन कौन सा, पतंजलि विषय वैशेषिका न्याय है ना, वो सब प्रस्थान वगैरह बताया था ना आप लोग को, श्रुति प्रस्थान पतंजलि योगा वेदांता, हाँ वो जो बताया था ना आप, बताओ क्या है वो, मीमांसा, हाँ मीमांसा, और क्या है शंखा नहीं है सांख्य, मीमांसा सांख्य न्याय वैशेषिका पतंजलि योग और वेदांत। इसमें वेदांत को छोड़ करके बाकी जितना 5 है, समझ में आया ना, मीमांसा सांख्य न्याय वैशेषिक पतंजलि योग एटसेट्रा, वो सब क्या है, वो सब आदि के इसमें आ गया है। यानी भक्ति जो है इन सब के विश्लेषण से भी परे होना चाहिए, समझ में आया ना। और बहुत सारे ज्ञानी लोग केवल इसी चीज को सांख्य वैशेषिका इत्यादि जो है इसी को समझने में अपना पूरा जीवन नष्ट कर दे, केवल एक जीवन नहीं जन्म जन्मांतर। एक मीमांसा को समझने के लिए, पूर्व मीमांसा उत्तर मीमांसा, इसी चीज को समझने के लिए पूरा जीवन नष्ट कर देते हैं, समझ में आया ना। जबकि ये क्या है भक्ति के पॉइंट ऑफ व्यू से यूजलेस। तो ये देखो ये आया क्यों, आया क्यों, क्योंकि कर्मकांडी लोगों को ये चाहिए। अभी आप बताओ मेरे को मार्केट के अंदर इमिटेशन ज्वेलरी क्यों बेचते हैं, इमिटेशन ज्वेलरी किसको बोलते हैं, नकली क्या बोलते हैं उसको, इमिटेशन ज्वेलरी को क्या बोलते हैं आप लोग, जो भी आर्टिफिशियल ज्वेलरी ना, नकली ज्वेलरी है ना, है नकली ज्वेलरी की दुकान सबसे ज्यादा है, असली ज्वेलरी से दुकान नकली ज्वेलरी का ज्यादा है, क्यों है भाई, क्यों है? सिर्फ सस्ता सस्ता नहीं है, डिमांड है, क्या है, जिस चीज का डिमांड रहेगा वही तो मार्केट लगेगा, है ना। नहीं अगर यहाँ पे अगर the correct thing was there, correct thing is also there, but only millionaire can purchase real gold or real diamond, समझ में आया ना। असली सोना और असली हीरा कौन खरीदेगा, पैसा है, पैसा है, करोड़पति है ना, क्या सड़कपति जाएगा खरीदने के लिए, उसको भी गहना पहनने की इच्छा है तो क्या खरीद के लाएगा, क्योंकि उसके पास जेब में 500-600 रुपया है और उधर करोड़ रुपया देना है ना। हम लोग इधर पीछे जाते हैं कभी, रिलायंस का दुकान है ना ज्वेलरी का, उसमें एक भी ग्राहक कभी नहीं दिखता है, उसमें एक भी ग्राहक कभी नहीं दिखता है, उसमें केवल 4-5 सिक्योरिटी वाले खड़े रहते हैं और कुछ लोग कंप्यूटर पर बैठे क्या करते रहते हैं बता दीजिए, तो दुकान में ग्राहक एक भी कभी नहीं दिखता है। लेकिन नकली खरीदने के लिए एक बार गया था, उधर लाइन लगा के लोग खड़े रहते हैं और वो पैकेट के ऊपर पैकेट बांध बांध करके सप्लाई देता रहता है, लेके जाओ लेके जाओ लेके जाओ, बिल बनाता रहता है एक आदमी और एक आदमी सप्लाई देता रहता है, उधर लोग खड़े रहते हैं होलसेल में खरीदने के लिए, रिटेल में खरीदने के लिए, सब कुछ खरीदने के लिए, पर इसकी दुकान में कभी कोई नहीं दिखता है, क्यों, असली माल है, समझ रहे हैं ना। तो इसीलिए जब डिमांड है तो उसको सप्लाई देना पड़ेगा, इसलिए शास्त्रों में क्या किया गया है, और भागवत में जो वर्णन आता है तद्वायसम तीर्थ वसंती मानसा, बताया ना कि क्या है ये कौओं का तीर्थ स्थान, और भागवत में 2 जगह पर बताया, 1st कैंटो में 12th कैंटो में, कि कर्म कांड इत्यादि जो है ये सब क्या है, कौओं का तीर्थ स्थान है, लेकिन हम लोग कौए ही है, हम लोग उसी में ज्यादा जाते हैं।
तो वो भी अगर नहीं देंगे तो लोग क्या करेंगे, शास्त्र को कोई पढ़ेगा ही नहीं, तब सबके सब राक्षस हो जाएंगे, समझे। अगर वो भी नहीं दिया जाए उसमें तो किसी को फिर शास्त्र में कुछ रह ही नहीं जाएगा, कौन जाए, इतना विशुद्ध कृष्ण भक्ति लेने के लिए कितने लोग इंक्लाइंड है। ये भी कॉम्प्रोमाइज्ड अप्रोच है, ऑब्वियसली, क्योंकि लोगों को समाव और अदर ड्रैग करके लाना है। इवन भागवत में भी, जो कि अमल पुराण कहा गया है, उसमें भी कहा गया है कि ये स्टोरी पढ़ोगे तो आपको ये लाभ मिलेगा, वो स्टोरी पढ़ोगे तो वो लाभ मिलेगा। एक्चुअली वो लाभ के लिए नहीं वो स्टोरी बताई गई है, समझ में आया ना। लेकिन लोग भागवत पढ़ने के लिए आए, इसके लिए वो लाभ का कैरेट लटकाया गया है, समझ में, कैरेट डैंगलिंग किया गया कि आओ खाओ खाओ। तो जैसे वो गधा है ना, वो गाजर खाने के चक्कर में 50 किलोमीटर चल जाता है, हाँ। तो ऐसे कुछ गधे लोग जो है ये डैंगलिंग कैरेट देख करके क्या करेंगे, आ जाएंगे। तो वैराग्य, विषय वैराग्य, आत्मनात्म विचार रूप, सांख्य और पतंजलि या अष्टांग योगाभ्यास, ये सब भी भक्ति के बाहर की वस्तुएं हैं और उसकी प्राप्ति में बाधक है, और ये सबसे भक्ति प्राप्त नहीं होगी, उल्टा ये लोग क्या है, ऑब्स्टकल्स है भक्ति के लिए। तो एक प्रश्न आता है कि यदि कोई डूब रहा है तो क्या भक्त को उसे डूबने से, भक्त जो उसे डूबने से बचा सकता है, उसे उससे बचाए या फिर उसे डूबता हुआ छोड़ दे। मान लो अगर एक भक्त है और देख रहा है कि कोई व्यक्ति जो है वो डूब रहा है, तो उसको डूबने से बचाना चाहिए या छोड़ देना चाहिए, बचाना चाहिए। या सोच करके कि ये सांसारिक है, ये तो भक्ति का कार्य नहीं है, वो डूब रहा है, वो अपने कर्म से मर रहा है, मरने दो उसको। ये सोच करके कि ये सांसारिक कृत्य है, इसमें तो कुछ भक्ति से रिलेटेड नहीं है, तो इसको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये आपको बाय चांस केस स्टडी में पूछ सकते हैं, समझा। ऐसा एक केस स्टडी आ सकता है कि एनओडी के आधार पर बताओ, हाँ, कि अगर कोई व्यक्ति, क्योंकि ये भक्ति का कार्य नहीं है, तो व्यक्ति को ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए कि अगर कोई डूब रहा है तो, हाँ, और हमें केवल कृष्ण की ही सेवा करनी चाहिए, ये सोच करके कि ये सांसारिक कृत्य है, हमको केवल कृष्ण की ही सेवा करनी चाहिए, हम उसे डूबते हुए व्यक्ति के कर्म में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, और इस तरह हम उसे डूब मरने दें, क्या करना चाहिए, उसको हेल्प करना चाहिए, बचाना चाहिए। क्यों? इसलिए, बिकॉज़ ही इज आल्सो ए पार्ट एंड पार्सल ऑफ कृष्ण, नोइंग दैट गुड स्पेकुलेशन। देखिए, ऐसी स्थितियों में आप जो बता रहे ना, उसमें इसको कहते हैं लोक विचार। तो ऐसी परिस्थिति में लोक विचार, और जो व्यक्ति भक्ति करता है, यस्यास्त्र भक्तिर भगवती अकिंचन, पहले स्टार्टिंग बोला था, तो उसके आधार पर ये देना है, सर्वैर गुणैर तत्र समासते सुरार, हराव अभक्तस्य कुतो महत् गुणा मनोरथे न सती धावतो बलि। तो जिस व्यक्ति के अंदर भक्ति है तो उसके अंदर सारे सद्गुण अपने आप आ जाते हैं, और अगर कोई व्यक्ति की आवश्यकता है कि किसी की मदद चाहिए उसको, तो उस समय भक्त आदमी क्या करेगा, उसकी मदद करेगा, समझ में है ना। ये सोच करके नहीं कि वो कर्मकांड है इत्यादि इत्यादि, वो उसकी सेवा कर देगा, ये सोच करके जो आप अभी बता रहे हैं कि ये कृष्ण का अंश है, इसको भक्ति करने का हक है, पर इस समय वो गलत परिस्थिति में है या वो कठिन परिस्थिति में, तो लेट मी हेल्प हिम सो दैट ही कैन रिवाइव एंड स्टार्ट हिज कृष्ण भक्ति एंड गो बैक टू गॉड। So we'll stop here. Thank you so much.